हूँ तो आप भेजने करो ना, दूंगी तो मैं जाके। ₹500 मैंने ले एक्सटेंशन भाई, क्या ले लो, काम आएंगे। दीदी में कौन सी सर्विस भी देखोगे? होम सर्विस हो जाएगी, बता दो। और उसका क्या चार्ज है? हम नहीं कर रहे, चलते रहो। सॉरी, ये रहा आपका। अरे मैडम रोने लग जाएगी। इधर आ जा, कहां फिल्म तोड़ रहा था। बोल ना, ध्यान दे। दुर्गा भाई देशमुख का मेट्रो स्टेशन एग्जिट मार रहे हैं। इतना ये हो रही एग्जिट। और बाय गॉड ग्रेस आज मैं फाइनली सरोजनी नगर जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को अपने भैयाओं से मिलना है, बार्गेनिंग करनी है शॉपिंग करने के लिए। तो लेट्स गो, लेट्स सी। गर्मी बहुत है गाइस। चिली मोमोज, 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 हाफ हाफ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग गई थी। तो लेट्स गो। दी गेम। ये रही सरोजनी की एंट्रेंस। वेलकम टू सरोजनी मार्केट गाइस। जिंदगी में पहली बार बाय गॉड ग्रेस भीड़। शाम के 4 बजे पहुंची हूँ मैं, अब 1 बजे निकल के। मैडम इधर देख लेना, 190 आ ही जाएगा। तेरी जांघ में टाइट हो गई है, पर ढीला हुआ तो रहेगा टाइट। दे दो तीन, क्या गारंटी वापस होगा? चेंज हो जाएगा। देखिए मैडम 190 सारा सेल है मैडम। देख लो, दिस इज द पैंट व्हिच आई एम बाइंग। मैंने ब्लॉग तो पता ऐसे बनता है, फॉर योर माइंड इन्फॉर्मेशन। मैं नहीं कर रहा ऐसे, कर दूंगी तो चलेगा। ऊपर मैं थक गई। 28 भैया अंकल, भैया हालत खराब हो गया शॉपिंग कर करके। नहीं अब बहुत बहुत लंबे हो रहे अंकल ये उसके लिए। अच्छा इस पर वहाँ चले दुकान में हम थे तो यहीं पे हमें पानी और कोक मिल गया। हाँ जी, और एक छोटी वाली कोक। देखिए नॉर्मल ड्यू भी लेता है, वो भी आपको 300 से कम का नहीं आता है, आपको इतना अच्छा लगता है।
क्या करे आप इतने महंगे कहाँ होते हैं अच्छे क्वालिटी दे रहा है मैडम के लिए बहुत इतना नाइस है सही लगा लो भैया ये लो थोड़ा और सही लगा लो भैया कितना प्राइस लिखा हुआ है आप कहाँ से लाए फिर आप ये सब कस्टम का आइटम भाई यहाँ सरोजनी की यही चीज़ है 50 50 50 और सामान इतना सारा कि खरीद ही ना पाओ कहाँ जाऊँ रख लेंगे इतनी शॉपिंग कर ली कि समझ में नहीं आ रहा क्या लूँ मैं चल ये है 200 रुपये काम कर दो भाई मूड सही मूड तू लेगी भैया कह रहे हैं आप बहुत क्यूट हो टैटू करवा लो सोन परी जल परी मेरे अंदर सांप बना हुआ है अरे एंजाइटी भी डर रही है मुझसे मुझे छोड़ के भाग गया भैया यार बोलो क्या हुआ आपके साथ मेरे साथ कुछ नहीं हुआ मेरे से डील नहीं कर पा रहे सरोजनी वाले वेंडर्स हाँ
ये तो बेकार है मैडम, पकड़ो तो एक मिनट। इतना फ्रेग्रेंस है कैसे बता रहे हो? मैं बता रहा हूँ, देखो हाथ देखो, स्मेल कर रहे हो इसकी फ्रेग्रेंस। अब आपको खुद को फील होता है, थोड़ा रफ करके रफ करके रफ करके नकली है ना, गलत चीज दे दी रखाई थोड़ा दीदी, क्या करोगे? एक चेंज कर लूंगा, 100 रुपया दे दूंगा मैडम। अब क्या वो लेके करोगे? काफी फायदा थोड़ी ना उसका, वो बाथरूम वगैरह में यूज होगा वैसे। मैं क्या करूंगा मैडम, मेरे पास ऐसे खरीद लो हमसे 700 रुपए में। अरे भैया सच में लूटे हैं हम, कैसी बात कर रहे हो, मजे ले रहे हैं। आपको वाली वीडियो दिखाऊं जिसमें लिया, बताओ। मैं भी वीडियो दिखा रहा हूं। चलो यार कहां यूज करोगे मैडम, वो खुजली और हो जाएगी आपको मैडम। 100 रुपए में तोड़ना दे दूंगा। 100 रुपए में कहां दे रहा हूं मैडम, आपने तो बोला 100 रुपए। वो तो चेंज करने के, वो तो चलो आपका नुकसान हो गया, इंसानियत के नाते बोल रहा हूँ, एक्सचेंज कर रहा हूँ इंसानियत के नाते। 100 रुपए दे दो ना, 100 रुपए आपको दे। हाँ, और वो पीस दे दो ना, मैं घर तो मैडम जी यहाँ से ऑटो कर लूँ, घर पे क्या कह रहा हूँ ऑटो वाले को, कोई बात यार भैया, आपने बहुत कोशिश करी, मैंने भी कर ली, पैसे के लिए खड़े चलो भाई। क्या हुआ? सुना चलो यार कहाँ यूज करोगे मैडम, वो खुजली और हो जाएगी आपको मैडम। 100 रुपए में तोड़ना दे दूंगा, 100 रुपए में कहाँ दे रहा हूँ मैडम, आपने तो बोला 100 रुपए। वो तो चेंज करने के, वो तो चलो आपका नुकसान हो गया, बोल रहा हूँ इंसानियत के नाते, बोल रहा हूँ एक्सचेंज कर रहा हूँ इंसानियत के नाते। 100 रुपए दे दो ना, 100 रुपए आपको दे। हाँ, और वो पीस दे दो ना, मैं यहाँ से घर के जाऊँ फिर, घर तो मैडम जी यहाँ से ऑटो कर लूँ, घर पे ले जाना क्या कह रहा हूँ ऑटो वाले को, कोई बात यार भैया, आपने भी बहुत कोशिश करी, मैंने भी कर ली, पैसे के लिए खड़े चलो भाई। क्या हुआ? जल्दी लीजिए आधार कार्ड जमा करो, चलो पैसे देना आधार कार्ड मेरा, आधार कार्ड मंगा, एटीएम मांगा, मैं उड़ रहा हूं, ये मेरा वाला है यार, बीज लग रहा है, बढ़िया है मेरा, लो दोनों ही ले लो, काम आएंगे। दीदी ने कौन सी सर्विस दी आपको? होम सर्विस हो जाएगी, बता दो उसका क्या चार्ज है, हम घर पे आके कराएंगे। करना पड़ता है मैम, कुछ करवा लो मैडम, क्या करें, चलते रहो। सॉरी, अरे मैडम रोने लग जाएगी, राजा कहाँ फिल्म तोड़ रहा था, अनलिमिटेड है, मैं अपने हाथ के छुपे करके बैठी हुई हूँ, से भी मॉडिफाई देखो तो सही। थैंक यू ओशन भंडारे ब्लॉग, आओ जाओ निकालो जाओ सारा तेल दुकान के अंदर, बढ़िया वाला ब्रांड ऐसे करते सर। अच्छा, तो हम शॉपिंग करके घर आ चुके थे, तो दिस इज़ द वे नेक्स्ट डे, और हल्का सा हम बेवकूफ़ भी बने कि हमने ये परफ्यूम गुची प्रो परफ्यूम 400 रुपये, मतलब 700 रुपये में 2 बोतल ले ली। बाद में जाके पता चला इसका एक्चुअल प्राइस 100 रुपीज़ है, ये 100 रुपये में बिक सकती है, बस आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। इसकी खुशबू इतनी पसंद आ गई थी कि बार्गेनिंग करना भूल गए, थोड़ी बहुत की तब जाके 700 की 2 मिली। फिर आगे
थोड़ी बहुत मस्ती बहसबाजी हुई सब वेंडर्स लोगों के साथ, तो आपने देख ही चुका है। तो मेरा कहना यह है कि ये जो परफ्यूम्स हैं गुची के या कोई भी परफ्यूम बेचें, तो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये में आपको मिल सकते हैं। ऑफ़र दे दो कि 200 में 2 खरीदूँगी, 300 में 3 खरीदूँगी। ये ऐसा मत खरीदना इतना महंगा जैसे मैंने खरीदा और अपने दोस्त से भी खरीदवाया, ठीक है। तो 60 ml मिलता है, इतनी सी बॉटल 100 रुपये में मिल जाएगी आराम से उन्हीं के पास, सरोजनी वालों के पास। तो पहला फर्स्ट टाइम था सरोजनी के अंदर और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। जितने वेंडर्स थे बहुत अनलाइक कोटद्वार, बहुत ही यूनिक स्टाइल है इन सबका, मतलब अपना काम करने का। बहुत सारी चीज़ें नई देखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें वही देखने को मिली जो देख चुके हैं, और बहुत मतलब इतना सही लगा वहाँ जाके, क्योंकि सेम चीज़ जैसे पिछले वीडियो में बोली, कोई किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अपना काम करो, जिस काम के लिए आए हो करो, खाओ पियो मौज करो और निकल जाओ वहाँ से टाइम से, क्योंकि बहुत भीड़ हो जाती है। और इस बार मैंने सोचा कि अब मैं जाऊँगी तो मैं मंडे को जाऊँगी, संडे को नहीं, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। मंडे को आएगा क्लियरेंस सेल लगती है तो तब मैं जाऊँगी। स्टफ़ क्वालिटी और डिज़ाइंस वेराइटीज़ बहुत सारी हैं और अच्छी हैं। इवन ये टी शर्ट ये तक वहीं से ली है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ से शॉपिंग करके, क्योंकि मैं जो कोटद्वार में चाहती थी कि मुझे मिले वो मुझे यहाँ मिला, वो भी इतने सही प्राइस में। और वरना एक एक कपड़े की कीमत में 2-2.5 हज़ार रुपये चुकाने के लिए सोचना मुझे पड़ता है, क्योंकि वर्दी नहीं लगता इतना पैसा खर्च करना किसी भी एक कपड़े में। तो स्टफ़ और वैरायटी बहुत ही सारी हैं यहाँ पे वैसे तो। और जो कि मैंने लिए हैं कपड़े, बेसिकली टी शर्ट्स और पैंट्स ली हैं दो, क्योंकि मेरे लेंथ के हिसाब से मुझे नहीं मिलती है कोटद्वार में, इवन ऑनलाइन भी मैं भरोसा नहीं कर पाती हूँ, और मुझे यूज़लेस लगता है कि यू नो 2000 रुपये आप सिर्फ एक पैंट में वेस्ट कर दो, जबकि आपको और अच्छी चीज़ मिल सकती है, जितना सस्ता उतना बेहतर। महंगा लेके मुझे लगता नहीं कुछ करना होता है, महंगा तब लो जब ठीक है कोई चीज़ आपको लगता है अगर इससे बेटर या इससे अच्छी नहीं मिल सकती आप ले लो, लेकिन अगर उस चीज़ को आप कहीं और से ले सकते हो अच्छे प्राइस में तो वाई नॉट, ठीक है। बचत करनी बहुत ज़रूरी है। तो ये सरोजनी ब्लॉग इतना ही था, बड़ी मुश्किल से बन पाया, और बीच में एंड में ऐसा हुआ कि लिमिट ख़त्म हो गई थी बैंक की, तो इसीलिए पे नहीं कर पाए, तो इसलिए घर आना पड़ा। अच्छा काफ़ी लगा। तो आज का ब्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं और शुरू करते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग से बहुत ही जल्द। तो जिसको भी ये वीडियो पसंद आया, थोड़ी सी बहसबाजी पसंद आई, तो उसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।